परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गयन सिंह तोमर, आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। ये गाला असाइनमेंट में से पूछे गए कुछ प्रश्नों को हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर सत्य या असत्य बताइए। तो देखें, यदि बहुलक 35 है और माध्य 35 हो तो उसका माध्य 35 होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर किसी दो की कीमत 35 दी है तो तीसरे की भी 35 आएगा, यानी ये विधान सत्य है। अगर आपको चेक करना है तो इस सूत्र से आप चेक कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन करना है तो जेड बराबर 3m और 2x बार होता है। m का मतलब माध्यक और x बार का मतलब माध्य होता है और बहुलक का मतलब जेड होता है। इसके अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ 35 लिखते हैं और यहाँ पर 3 की जगह 3 और m बराबर कितना दिया है नहीं मालूम है, m बराबर मालूम नहीं है। कि ऐसा बता रहे कि m बराबर इतना आता है कि नहीं आता है, तो दो यहाँ लिखते हैं और x बार हमारे पास 35 है, जेड बराबर 35 और x बार बराबर भी 35 लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये हो गया हमारा 35 या 3m और ये हो जाता है 35 दुनी 70 माइनस का हो जाता है। अब इधर लेके आते हैं तो प्लस का 70 हो जाता है, यहाँ लिखते हैं 3m, ये हो जाता है 105 बट्टे में 3 लिखते हैं या m, और भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास 3 तरक 9 बचा 1, 3 पंजे 15, 35 ही आता है। यानी ये विधान हमारा कैसा है, सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बारंबारता बंटन में ओजाइब यह है खाली जगह की आलेखात्मक प्रस्तुति है। यानी यहाँ पर क्या आ सकता है, यानी ओजाइब में करते हैं आलेखात्मक, तब इसमें क्या दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता दर्शा सकते हैं। क्या दर्शा सकते हैं, संचयी बारंबारता। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सत्य या असत्य बताना है। तो आप देखेंगे ये गाला पेपर नंबर 2 का है, माध्यक है 3 गुणा बहुलक माइनस 2 गुणा माध्य। तो ये माध्यक का सूत्र है, यानी कि ये बोलना चाहता है कि m बराबर 3z और यहाँ 2x बार होता है। ये सूत्र है, नहीं अभी इस पर पहले हमने देखा था, इसका सही सूत्र कौन सा है, z बराबर 3m माइनस 2x बार होता है। तो ये विधान कैसा है, असत्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन दिया है, बहुलक का जो सूत्र है z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h में f1, ये खाली जगह दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि f1 तो दर्शाता क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता दर्शाता है। अब अगला क्वेश्चन देख, गाला पेपर नंबर 3, सत्य सत्य बताना है, प्रत्येक प्रक्षेपण के लिए बहुलक का अस्तित्व होता ही है। ऐसा यहाँ पर बता रहा है कि अगर कोई प्रक्षेपण कर रहे हैं तो वहाँ बहुलक होगा ही, पर ऐसा होता नहीं है। बहुलक अगर कोई संख्या बार बार ना आए, सिर्फ वो एक एक बार ही आए, कोई आंकड़ा एक एक बार ही आए, तो उसका बहुलक वहाँ पर अस्तित्व होगा ही नहीं, बरोबर। अगर कोई संख्या बार बार आती है तो बहुलक हो सकता है, तो यानी बहुलक का अस्तित्व होता ही है। ऐसा जरूरी नहीं, नहीं भी हो सकता, कोई संख्या बार बार नहीं आती तो बहुलक का अस्तित्व हो सकता नहीं है। यह विधान कैसा रहेगा, असत्य होगा, असत्य विधान है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन, माध्यक का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई गुणा एच में a, ये क्या दर्शाता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे a मतलब क्या दर्शाता है हमारे पास में, तो हम लिखेंगे कल्पित माध्य। क्या दर्शाता है, कल्पित माध्य। हम इसको अनुमानित माध्य भी कह सकते हैं, मानित माध्य। आगे देखते हैं, गाला पेपर नंबर 4 में से लिया गया है ये, किसी भी प्रक्षेपण में बहुलक हमेशा अनन्य होता है। तो अनन्य का मतलब होता है एक, यानी कोई भी प्रक्षेपण करते हैं तो बहुलक हमेशा एक ही बहुलक आता है, ऐसा हो सकता है नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई संख्या, अगर दो संख्या अगर बार बार सबसे अधिक बार आ रही है तो वो
वहाँ पर बहुलक हो सकता है, अगर दो तीन या दो या तीन से अधिक संख्या कोई बार बार आ रही है तो बहुलकी वर्ग भी कहला सकता है। यानी एक कोई भी एक आंकड़ा सिर्फ बहुलक एक ही आएगा ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, एक से अधिक भी बहुलक भी आ सकते हैं। तो ये विधान भी कैसा है, असत्य है, विधान असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आठवां है माध्य का सूत्र एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, बट्टे में लिखा है सिग्मा एफ आई में डी आई ये है खाली जगह दर्शाता है, तो यहाँ डी आई बराबर क्या बताएगा, तो प्रत्येक यहाँ पर ये लिखेंगे हम प्रत्येक आई के लिए एक्स आई माइनस ए, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए ये दर्शाता है। नौवां क्वेश्चन आप देखते हैं किसी भी, तो ये नौवां जो क्वेश्चन है पेपर नंबर 5 में से लिया गया है वाला असाइनमेंट में से, तो किसी भी बारंबारता बटन का माध्यक बंटन का माध्य उसके माध्यक से हमेशा अधिक ही होता है, यह विधान कैसा है देखते हैं। तो किसी भी बारंबारता बटन में अगर माध्य माध्यक से अधिक कम ज़्यादा हो सकता है, कभी माध्य ज़्यादा हो सकता है कभी माध्यक ज़्यादा हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए बोलता है हमेशा अधिक ही होगा माध्य, नहीं कभी माध्यक ज़्यादा होगा कभी माध्य ज़्यादा होगा, तो ये विधान भी कैसा है, असत्य विधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माध्य का सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई में एक्स आई यह खाली जगह दर्शाता है, तो एक्स आई क्या दर्शाता है, तो यहाँ पर एक्स आई हमेशा दर्शाता है वर्ग चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है वर्ग चिन्ह, अथवा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि मध्य कीमत दर्शाता है, अथवा तो हम दूसरा सूत्र भी लिख के बता सकते हैं कि कैसे करेंगे कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में दो, तो इन तीनों में से आप कोई भी दर्शा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मैं आपको परामर्श देता हूँ कि अगर आप ये वाला दर्शाओगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। इस समय हम लोग तीन खाली जगह भर सकते हैं, मध्य कीमत भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो 10वां क्वेश्चन आपको दिखा नहीं था, देखें यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आई बराबर वर्ग चिन्ह आता है, या मध्य कीमत लिख सकते हैं, या ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में दो, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एक आवृत्ति वितरण, तो ये पेपर नंबर 6 में से लिया गया है गाला में से, एक आवृत्ति वितरण में से कुल बारंबारता 35 और सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 36 75 हो तो माध्य की कीमत 15 हो सकती है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर यह क्या बोलता है कि एक्स बार का सूत्र दिया है सिग्मा एफ आई एक्स आई वाला दिया है, तो नीचे क्या आएगा एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यह सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया है 36 75, अब ये सिग्मा एफ आई कहाँ पर दिया है, तो ये रहा है 35 है, तो हम लोग 35 से भाग देते हैं, 35 एकन 35, 36 में से 35 घटा देते एक, तो 1 + 75 होता है, तो 35 × 5 = 175 आता है, यानी कि यह विधान हमारा कैसा है, सत्य है। तो ये सत्य असत्य पूछा है तो सत्य विधान है। अब हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं, तो 12वां में लिखा है ओजाइव आलिखित करने के लिए बाई अक्ष पर खाली जगह लिया जाता है, तो बाई अक्ष पर क्या लिया जाता है, तो संचयी बारंबारता लिया जाता है, संचयी बारंबारता। तो इस तरह से आप वीडियो पूरा होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।